रमजान आ रहा है, बहुत शौक के साथ रोजे रखने चाहिए। हर गिज ये कोताही नहीं कि साहब आज यूज जोड़ दो, आज को से रोजा भी है, हर गिज नहीं, ये धोखा है। अभी पिछले हफ्ते यहीं श्रीनगर शहर का नौजवान लड़का मुझे मिला और वो जा चुका अब, तो वो चूंकि मुलाकात करने के लिए आया था, उसे कहा जनाब आपको मालूम है मैं ऑक्सफोर्ड में होता हूँ, ऑक्सफोर्ड में। मैंने कहा रमजान आ रहा है क्या करोगे? कह लगा आज तक मैंने कभी रोजे वहां नहीं छोड़े, आज क्यों छोड़ूंगा। रखा कितने घंटे का रोजा है? कम से कम 20 घंटे का रोजा होगा। ज्यादा है? कह लगा बिल्कुल। मैंने कहा आज तक? कह लगा आज तक कभी नहीं हमने रोजे छोड़े। इसी श्रीनगर शहर का आदमी ऑक्सफोर्ड में रोजा रखने को तैयार है और आज तक कभी नहीं छोड़े, आज भी। मैंने कहा नमाज? कह लगा नमाज भी पढ़ते हैं। मैंने कहा तरावी? का तरावी भी पढ़ते हैं। तो तरावियां भी पढ़ रहा है वो, रोजे भी 20 घंटे का रखता है, जॉब भी कर रहा है, बीवी को भी चला रहा है, सारे काम। अच्छा, मैंने कहा कोई गुनाह का काम? का बिल्कुल कोई गुनाह का काम नहीं, सारे गुनाहों से अपने आप को बचाए। मैंने कहा शराब कभी पी? कहने का कभी नहीं, किसी नामहरम के साथ हैंडशेक कभी कभी नहीं किया। मैंने कहा तुमको वहां ताना नहीं देते लोग? कहने का कौन ताना देगा मुझे? अगर कोई मुझे ताना देगा तो उनकी वजह से थोड़े मैं अपने इस्लाम को छोड़ूंगा। ऐसा जज्बा भी है। एक दूसरा मैं यही कश्मीर का नौजवान लड़का जर्मनी में है और पीएचडी कर चुका है वो। अभी तीन दिन पहले वो फोन कर रहा था तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पहले तुम्हारे मसलों का जवाब तो बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ रमजान आ रहा है रोजे रखना है? कह लगा बिल्कुल। मैंने कहा रोजा छोड़ोगे तो नहीं? कह लगा हरगिज नहीं। मैंने कहा वहां खाने पीने का बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है क्योंकि हर चीज में शक है, खंजीर की मिलावट हर चीज में हो सकती है, खासतौर पर खंजीर की जो चर्बी है उस चर्बी को पिघला करके उसको तेल निकालते हैं, वो तेल जो है वो हर चीज में मिलाया जाता है, हत्ता कि ब्रेड में भी बहुत खतरा है इसका। तो खाने का कहने का हम खाने की चीजें या तो तुर्की से मंगवाते हैं या पाकिस्तान से मंगवाते हैं और यहां की कोई चीज नहीं खरीदते हैं, यहां की वही चीज खरीदेगा जो खुश्क होगी, बस हम खुश्क दाल या खुश्क चावल तो यहां से खरीदते हैं, बाकी कोई प्रोडक्ट चीज यहां से नहीं लेते, हम नहीं खाते हैं। तो वहां पर रोजा रखने को तैयार है और जवान आदमी है और साथ में थीसिस लिख रहा है और वो भी केमिस्ट्री या फिजिक्स की थीसिस लिख रहा है, यानी कोई आलिम नहीं, कोई दीनदार बैकग्राउंड का नहीं है, एक फिजिक्स लिखने वाला स्टूडेंट है, वहां भी दाढ़ी रखे हुए, वहां वो रोजा रखे हुए। एक दफा उसने मुझे फोन पे बताया, मैंने कहा तुम कहां हो इस वक्त? कहने लगा स्विट्जरलैंड में। इस वक्त क्या कर रहे हो? कहने लगा मैंने अभी जोहर की नमाज पढ़ी, सारे अंग्रेज मुझे चारों तरफ खड़े देख रहे थे। तो मैंने कहा बुरी नजरों से देख रहे या ताज्जुब? कहने लगा ताज्जुब कर रहे थे, बुरी नजरों से नहीं देख रहे थे। मैंने कहा तुमको शर्म तो नहीं आई? कहने लगा अल्लाह को सजदा करते हुए मुझे जितना मजा यहां आया शायद मस्जिद में उतना मजा नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों? कह लगा इसलिए मजा आया, मैं सोचा था पता नहीं यहां किसी ने आज तक अल्लाह को सजदा कभी किया होगा या नहीं, मैंने यहां सजदा किया। इस कश्मीर का तो अमल करने वाले कहीं भी नहीं रुक पाते हैं और जब अमल ना करना हो तो क्या तू हजार बहाने हैं, आज को साथ है कि रोज दरी जूता जोड़ दो, ऐसे इसे मारो। ये मुझे जो पीएचडी कर रहा है ये कह रहा था, जब मेरा बॉस आया और उसने मुझे कहा बेटा जूस पियोगे या चाय पियोगे? कह लगा सर मेरा तो रोजा है। उसने कहा वो क्या होता है रोजा? कहते जाना फास्टिंग। वो क्या है वो फास्टिंग? कहा मैंने उसे डिटेल बताई कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना होता। उसने कहा पानी नहीं पीना है? कह लगा ची नहीं। कहा तो मर जाओगे बगैर पानी के? कह लगा आज तक हम में से कोई नहीं मरा, कोई नहीं मरता। कह लगा नहीं नहीं बेटा तुम मर जाओगे, तुम थोड़ा पानी पियो। वो मेरा बॉस मुझे कहता थोड़ा सा पानी पियो। मैंने कहा जी नहीं सर कैसे पी सकता हूँ, मेरा तो रोजा है। और कितने दिन रखना है? कह लगा जी पूरे महीना। ये पिछले साल की बात सुना रहा था, अभी इस साल तो रोजा शुरू भी नहीं हुआ। तो मेरे भाई रोजा रखने वाले हर जगह। रूस के एक अथीस्ट साइंटिस्ट ने किताब लिखी और उसमें लिखता है वो कि रोजा रखने से 200 बीमारियों का इलाज होता है और हम समान कहते हैं आज कुछ एक रोजा पी। बहुत शौक के साथ रोजे रखने चाहिए, बहुत शौक के साथ कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, बहुत एहतमाम के साथ अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें, अपने कानों की हिफाजत करें। रोजा सही जब हो जाएगा तो उसके असरात इंशाल्लाह इंसान के ऊपर आ जाएंगे।